दोस्तों, कितनी बार ऐसा होता है कि हमें डाउट्स होते रहते हैं, हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी है नहीं है, कभी ऐसा लगता है कि शायद मैंने ऐसा कुछ सोचा था इसलिए मुझे ऐसा स्वप्न आ रहा है, कभी ऐसा लगता है कि मैं स्वभाव से कुछ डरपोक हूँ, इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर में कोई चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ जो मुझे छुप करके देखती है। आप देखना, अगर आपके घर में नेगेटिविटी है तो ऑलवेज आपको एक भ्रम होता रहेगा, या आपकी जो आंतरिक शक्ति है उसको ये पता चलता रहता है कि घर में कोई और भी आपके सिवाय जो आपको छुप करके देखता है, और वो अदृश्य चीज़ है, और वो चीज़ अच्छी नहीं है, उस चीज़ के इरादे अच्छे नहीं है। कभी कोई अच्छी चीज़ आपके आसपास है तो आपको अलग अनुभव होते हैं, लेकिन अगर कोई बुरी चीज़ आपके आसपास है तो नेचुरली आपके अंदर अच्छे भाव नहीं जगेंगे, आपके अंदर डर पैदा होगा। कभी ऐसा होता है कि बुरी चीज़, बुरी आत्माएं अगर आपके आसपास है तो आपका दिमाग विकृत होने लग जाएगा, विकृत चीज़ों में आपको आनंद आने लग जाएगा, विकृति ही में आपको आनंद आएगा। पूजा पाठ, अच्छी सोच, अच्छे विचार, ये सारी चीज़ें आपको हम्बग लगने लग जाती हैं, है ना। जब आपके दिमाग में कहीं ऐसा डाउट होता है कि नहीं हमारे घर में नेगेटिविटी है, लेकिन मुझे पता कैसे चले कि हाँ नेगेटिविटी ही है या फिर मेरी मानसिक भ्रमणा है, मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताती हूँ। सोते समय अपने तकिए के नीचे लहसुन रखें, लहसुन की कलियाँ आप अपने तकिए के नीचे रखें। अगर आपके घर में नेगेटिविटी है, सुबह जब आप उठेंगे ये लहसुन की कलियाँ, इसका कलर बदल जाएगा, थोड़ी येलोइश हो जाएंगी। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ या नहीं समझ पा रही हूँ, तो इस लहसुन की कली को आप 2 या 3 दिन रखें अपने तकिए के नीचे। अगर ये अपना कलर बदल देती है, येलो हो जाती है, पक्का मान लीजिए नेगेटिविटी है। लहसुन की कली हमेशा अपने पर्स में भी रखें दोस्तों, ताकि नेगेटिविटी आपके पैसों पर अटैक ना कर पाए। लहसुन केतु से जुड़ा हुआ है, प्याज लहसुन दोनों ही चीज़ें केतु से जुड़ी हुई है। केतु अगर आपके ऊपर प्रसन्न है तो जो पॉजिटिव एनर्जीज है वर्ल्ड में वो आपकी मदद करने लग जाती हैं, यूनिवर्स में वो आपकी मदद करती हैं। तो जो नेगेटिव एनर्जी है आपके साथ, जो आपको बहका रही है, विकृत चीज़ों में आपको आनंद दे रही हैं, गलत रास्ते पर चढ़ा रही हैं, छुप करके आपके ऊपर अटैक कर रही हैं, आपको नशाखोरी के रास्ते पर ले जा रही हैं, ऐसी तमाम चीज़ों से आप बचे रहेंगे अगर हमेशा आपके पर्स में लहसुन पड़ा रहा। जरूर करें, छोटा सा उपाय, आपको खुद पता चलेगा कि इसके पहले मैं गलत था, अब ठीक हूँ। जय श्री कृष्ण।